जमीनी विवाद में लगातार हत्या का दौर जारी है। हम बता दें कि दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस इस गंभीर मुद्दे पर बैठक तो करती है, लेकिन समस्या का निदान नहीं होती। शनिवार को दरभंगा पुलिस और स्थानीय सीओ के द्वारा, बल्कि एसएसबी भी कई बार कर चुके हैं कि समस्या का निदान वहीं होगा, लेकिन होता नहीं है। गंभीर मुद्दे पर सबसे पहले पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोनों के बीच समझौता हो सके। आज ऐसे ही श्री राम पिपरा, लाल रंग का ही चल, हाँ चल, आज श्रीराम पिपरा में जो घटना घटी है और एक फौजी कहे जाते हैं जिनकी हत्या का आरोप लगा है और उनके परिजन यहाँ पर हैं और हम दरभंगा पोस्टमार्टम में हैं अभी। एक फौजी की हत्या जमीनी विवाद में कितना दुर्भाग्य है, और पुलिस इस मामले को रफा दफा करती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं सुनती है। क्या ये मामला क्या है? मामला यह है कि मेरे पिताजी रिटायर्ड सूबेदार मेजर विनोद कुमार आपको एएमसी में थे, 1990 में रिटायर हुए, 32 साल रिटायरमेंट का हो गया था। अभी गांव में अपना खेतीबाड़ी करते थे। आज सुबह 7:15 बजे करीब खेत में रोपनी करवा रहे थे, उसी दरमियान रजनीश कुमार, अमरजीत सिंह, चित्रंजन कुमार और मनोरंजन कुमार आए और उनसे झंझट करने लगे कि भाई आप किस लिए रोपनी करवा रहे हैं, मेरे फरीक हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीन है भाई, हम करवा रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही उसमें रोपनी और सब चीज़ हो रहा था। उसके बाद है ना उन्होंने मार, हुआ क्या, हुआ क्या, वहाँ क्या हुआ? हाँ, उनको गिरा दिया गया और उनको चारों मिलकर मारा, उनको उनके छाती पे चढ़ा हुआ था, मनोरंजन कुमार चढ़ गए और उसके बाद लात भूसा से मारने लगे। देखो डंडा देखे, हम थोड़ा आगे थे, खेत से आगे थे, हमने गाड़ी आवाज़ सुना तो भाग के आए, हमने देखा कि उनको चारों मिलकर मार रहे थे सर, और वृद्ध आदमी थे, उनके ऊपर चढ़े, छाती पे चढ़े हुए थे मनोरंजन कुमार और ये रजनीश कुमार है ना, उनको लात हाथ घुसा से मार रहे। ये जमीनी बात कब से चल रही है? 2 साल करीब चल रहा है सर। तो इस पर पुलिस का क्या रहा? आप जान कर रही है सर, अब क्या कहा जाए? कागजात की जांच कर रही थी, शनिवार को गए थे कभी थाना पर मामले को निष्पादन? नहीं नहीं सर, हम शनिवार को नहीं गए थे। तो कभी गए थे? हाँ हाँ, हम तो हर समय जाते हैं सर। पुलिस का रवैया कैसा रहा? पुलिस का रवैया पिछले बार है ना भी, इनको 7-8 महीना पहले मारा गया था, साजिश के तहत इनको मारा गया, सर पे वार नहीं करके नीचे पूरा शरीर तोड़ दिया गया था, उल्टा हम पे केस कर दिया गया था और हमको जेल कर दिया गया था पिछला साल। तो ये जमीन का कितना का मामला है और क्या है मामला? अरे फरीकी है, 40 बीघा जमीन हम लोगों को है, आपसी बंटवारा हो रखा है, मौखिक बंटवारा है, उसके बाद आपको कागजी बंटवारा, अपना आपसी जो होता है तो वो भी अपना खेत जोतते हैं, हम भी जोतते हैं, उसी में विवाद हो रहा है, नहीं जोतना दे रहे हैं। वो दबंग हैं, 4-1 हो गए हैं, मेरे बाबा 2 भाई थे जिसमें एक भाई के 3 बेटा हुआ और ये 2 हुए जिसमें वो सब मिल के 4 तबाह कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग, पुलिस के क्या अभी क्या है? पुलिस अब अपना अनुसंधान करे, क्या है नहीं, मेरे पिताजी तो चले गए, हम तो चाहते इंसाफ हमको मिले। और दबंग है रजनीश कुमार, इससे पहले उनका थाना पे बुलाया गया था और पुलिस भी ढूंढ रही है उनको, भाग फिर सब भाग गया घर से, 4 आदमी भाग चुके हैं, लेडीज तक भाग गई है घर से, अभी बिल्कुल घर पे पूरा पुलिस गई थी, पुलिस ने देखा मगर कोई नहीं मिला है, सब भाग चुके हैं। अगर पुलिस का पहले सहयोग रहता तो ये घटना से रुक सकती थी? हाँ सर, सही, पुलिस का तो देखिए अब सहयोग क्या कहें, वो तो अपना छानबीन करिए जो कर रही है, मगर पूरा ढंग से नहीं की है, हम तो यही कह सकते हैं। और इसमें सबसे इन्वॉल्व है हमारे सरपंच, सरपंच देखिए पुलिस से पहले सरपंच क्या होता है, गांव समाज में सरपंच सबसे सर्वप्रिय होता है, मेरे पिताजी 10 साल पहले सरपंच रह चुके हैं, 5 साल से सरपंच थे वो, और सरपंच थे, समझ सकते हैं कि कितने कैसे होंगे, वो जीते थे और सरपंच यदि चाहते तो उसको निष्पादन कर सकते थे, सरपंच की लापरवाही, लापरवाही नहीं, उनका भी साजिश है इसमें, मैं उनको ब्लेम देता हूँ। इससे पहले 7-8 महीना हो गया, मेरे घर का आगे जो है उसमें ताला लग चुका है, उसका मैंने आवेदन दे चुका हूँ, SDM साहिबा को दे चुका हूँ सब आवेदन, मगर उससे कुछ नहीं हुआ सर, अभी केस चल ही रहा है, ताला बंद है, आगे से पीछे से है, एक है गेट है, उसको खोल के हम लोग आने जाना मेरा है, 86 साल के करीब होगा मेरे पिताजी का उम्र होगा। तो हम बता दें दरभंगा में जमीनी विवाद की वजह से लगातार इतनी घटनाएं घटी हैं कि लोगों का पुलिस पर से ही विश्वास उठ रहा है, और हम बता दें कि जनता दरबार में ये कहा जाता है कि अगर कोई जमीनी विवाद है तो उसका निपटारा के लिए दरभंगा DM और SSP ने संयुक्त रूप से कहा था कि भूमि विवाद और विधि व्यवस्था को लेकर के सबसे पहले उस मामले का निपटारा करना है जिस मामले में गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही की वजह से निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर फौजी जैसे व्यक्ति जो देश की सेवा करते हैं उनकी हत्या हो जाती है,
और पुलिस अभी तक खामोश है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, परिजन परेशान हैं। अगर समय रहते अगर पुलिस इस विवाद का निपटारा करती तो शायद आज ये फौजी जीवित रहते, अपने परिवार के साथ रहते, दोनों परिवार खुश रहता। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, धन्यवाद।